अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। हम गज़ल पढ़ रहे हैं। मीर तकी मीर की पहली गज़ल हमने कल स्टार्ट की थी। कल हमने उसके बारे में, गज़ल के बारे में जाना। गज़ल क्या है, उसके मायने क्या हैं, उसके मुराद क्या है, गज़ल में क्या क्या होता है, यानी कि मतला, मक्ता, रदीफ, काफिया वगैरह। तो उसका हमने पहले शेर की तशरीह की थी। आज हम इस तरह उसके दूसरे शेर की तशरीह करेंगे। तो शेर लिखने के बाद, कल भी मैंने आपको बताया था पहले शेर लिखना है फिर ये चीज़ें लिखनी है, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो इसमें शेर में मैं आपको वो सही कर देती हूँ। हमारा शेर सनफ़ अदब गज़ल लिखनी है, शायर का नाम, वो गलती से मैंने हसरत मोहाने लिखे थे, लेकिन मीर तकी मीर है इसके शायर का नाम, तो आपने पहले बारे में भी सही करके लिखना है। माखज कुलियात मीर दीवाने अव्वल। दूसरा शेर पहले हम लिखेंगे, शेर नंबर 2, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। ये लिखने के बाद फिर हमने ये लिखना है हवाला शेर, सनफ़ अदब, शायर का नाम मीर तकी मीर, माखज कुलियात मीर और दीवाने अव्वल, और फिर हमने इसकी तशरीह स्टार्ट करनी है। जी क्लास, जिस तरह हमने पहले शेर में तशरीह स्टार्ट करते हमने लिखा था मीर तकी मीर को उर्दू गज़ल का बादशाह कहा जाता है, तो इसी तरह इसमें भी हमें लिखना है मीर तकी मीर को उर्दू गज़ल का बादशाह कहा जाता है। इस शेर में उन्होंने अपने महबूब के होंठों की तारीफ़ की है, यानी कि वो इसमें हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुराद ले सकते हैं और अपने मजाजी मायने भी मुराद ले सकते हैं, यानी किसी का दोस्त, किसी का महबूब जो होता है वो उसको कितना पसंद होता है, वो उसकी हर चीज़, हर बात उसको पसंद होती है। इस तरह ये मीर तकी मीर जो है अपने महबूब के होंठों को गुलाब की पत्ती से तशबीह देते हैं, यानी वो कहते हैं कि मेरे महबूब के होंठ जो हैं वो गुलाब के फूल की पत्तियों की तरह हैं। जिस तरह गुलाब के फूल की पत्ती नरम और नाजुक और सुर्ख होती है, उसमें नज़ाकत और भांगपन होता है, इस तरह मेरे महबूब की होंठ भी नरम और नाजुक और सुर्खी लिए हुए हैं। इस शेर का दूसरा मतलब क्या है कि शायर जो है अपने महबूब को नरम गुफ्तार करार देता है, यानी कहता है कि मेरा महबूब इतनी प्यारी, इतनी सॉफ्ट आवाज़ में बोलता है कि उसके जो बात करने का अंदाज़ है वो दिल में उतर जाता है, उसके लफ्ज़ों की अदायगी इतनी वाज़े, इतनी पुरता सीर होती है कि बंदा उससे बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। इसमें हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मुराद ले सकते हैं कि जब मेरे नबी बात करते थे तो आपके मुंह से गोया फूल झड़ते थे, तो आपके होंठों को गुलाब से तशबीह देना बहुत दुरुस्त है। इस तरह हम इसको हकीकी मायनों में लेके आते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे महबूब को इस तरह बनाया, अल्लाह ताला का भी, अल्लाह ताला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब हैं, इस तरह वो पूरी दुनिया के महबूब हैं। तो जब वो बात करते थे तो सहाबा जब सुनते थे तो उनका दिल ये होता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते रहें और हम सुनते रहें, कभी ख़त्म ना हो। तो इसी तरह शायर का भी ये मतलब है कि वो महबूब के होंठों को इस तरह तशबीह देता है कि वो उसके बात करने के अंदाज को, कि इतना वो प्यारे अंदाज में बात करते थे कि लोग सुनते सुनते ही रह जाते हैं, यानी कि जब मेरा महबूब बात करते उसके अल्फाज मेरे कानों में रस बोलते हैं, उसकी बातें जो फूल की पत्तियों जैसी नरम होना थी, उनमें किसी किस्म की तलखी शामिल है, यानी कि कोई ऐसी बात नहीं होती थी बीच में जिसमें किसी की दिल आजारी हो, किसी का दिल दुखे। तो ये कि ये देखें शायर क्या कहते हैं इसके बारे में, कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, रकीब मतलब होता है दुश्मन, गालियाँ खा के भी बदमज़ा ना हुआ, यानी कि जो रकीब है उसको अगर तुम कुछ बुरा भला कह भी दो तो फिर भी वो बुरा नहीं मनाता, क्योंकि गुफ्तगू में उसको इतना मज़ा आता है कि वो बस बात करने के अंदाज में खोकर आ जाता है, उसको आगे और कुछ समझ नहीं आती। इसके बाद हमारा तीसरा शेर है, चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। चश्मे दिल का मायने मैंने आपको बताया पीछे, दिल की आँख। जिस तरह हमने पहले दो अशआर में वो शुरू में हमने स्टार्ट किया था हवाला शेर, इसी तरह इसका भी लिखना है हवाला शेर, लिख के फिर आपने लिखना है गज़ल का उनवान और शायर का नाम क्या है, मीर तकी मीर, माखज़ क्या है, दीवाने मीर। फिर ये तीसरा शेर हमारा है, चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी, यानी ये शेर जो मीर तकी मीर गज़ल उर्दू गज़ल के बादशाह हैं, उन्होंने अपने शेर में हकीकत को हमारे साथ शेयर किया है कि हकीकत के बारे में बात की। मीर कहते हैं कि हम इस दुनिया में थोड़ी देर के लिए आते हैं, यानी कि थोड़ी देर, जितनी भी देर इंसान जी ले आकर तो उसको मरना ही है। इस दुनिया में आकर हम ख्वाब गफलत में पड़ जाते हैं, हमें दूसरी दुनिया का कोई फिक्र नहीं होता। वो जाहिर है ऐसे ही है, आपके सामने है सारा कुछ, जो ये जो हमारी ज़िंदगी एक ख्वाब की तरह है, जैसे कि एक ख्वाब है, इंसान जब जागता है तो ख्वाब ख़त्म हो जाता है,
ख्वाब के बारे में कहा जाता है कि इसकी तबीर उलट होती है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो हंस रहा है तो ख्वाब की तबीर बताने वाले बताते हैं कि वो जागने पर रोएगा। यही हाल इस दुनिया का है। अगर हम इस दुनिया में अल्लाह ताला के अहकाम को भूल कर, यानी कि अल्लाह ताला ने जो हमें बताया है ज़िंदगी गुजारने का तरीका, हम उसके मुताबिक अगर ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे तो ज़ाहिर है हम जब हम मर जाएंगे, जब हमारा हिसाब होगा तो हम वहाँ पर हमें रोना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अमाल अच्छे नहीं होंगे। ज़ाहिर है जिसके अमाल अच्छे नहीं होंगे उसके लिए अल्लाह ताला के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ बता दी है, खोल के बयान किया है कि ये काम तुमने करने, ये काम नहीं करने। तो ज़ाहिर है जो चीज़ अल्लाह ने मना की अगर हम वही काम करेंगे तो उसकी सज़ा तो फिर हमें मिलेगी ना। इसलिए शायर कहता है कि इस ख्वाब की कैफियत से अब हमें अभी निकलना चाहिए, यानी कि जब तक हम जिंदा हैं तभी हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये अमल की जगह है। मरने के बाद हमारा अमल ख़त्म हो जाना है, फिर सिर्फ हिसाब है। यानी वो कहता है कि हमें इस दुनिया का ध्यान करना चाहिए जहाँ हमें हमेशा रहना है, यानी जो दुनिया मौत के बाद ज़िंदगी है वो हमेशा की है, उसको कभी फना नहीं है। इसलिए वो कहता है कि हमें अपने अंदर के इंसान को अभी बेदार करना चाहिए, अभी हमें अच्छे काम करने चाहिए, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ताकि हमें दूसरी दुनिया में पछतावा ना हो, हमें कोई रोना ना पड़े। यानी कि अब हम ख्वाब में है ना, हालत ख्वाब में है, खुश हैं, खुशबाश हैं, अपनी ज़िंदगी जिस तरह चाहते हैं गुजारते हैं, लेकिन जब हम मर जाएंगे, जब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तो जब हिसाब का दिन होगा फिर हमें इन्हीं अमाल के मुताबिक अल्लाह ताला अगर पूछेगा हमारे से तो कुछ नहीं होगा हमारे पास, और फिर हम रोएंगे। फिर इंसान ये कहेगा कि या अल्लाह हमें थोड़ी ज़िंदगी और मिल जाए ताकि हम अच्छे काम करें, लेकिन फिर अमल ख़त्म हो जाता है, फिर सिर्फ आपके पास हिसाब है। तो इसीलिए शायर कहता है कि हमें अपनी ज़िंदगी जो है अच्छे कामों में नबी की तालीमात, अल्लाह की तालीमात के मुताबिक बसर करनी चाहिए, ताकि हमें आखिरत में पछताना ना पड़े। तो ये दो शेर हैं, अच्छे तरीके से कॉपी में भी आपने तीनों शेर लिखने हैं और याद भी करने हैं।